आईएनसीस अकेडमी के एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2024 का एग्जाम 27 अक्टूबर को होने वाला है। ज़्यादा टाइम बचा नहीं है, करंट अफेयर का वेटेज बहुत ज़्यादा रहता है। 35 से 40 क्वेश्चन लगभग करंट अफेयर के आते हैं, तो करंट अफेयर को बहुत अच्छे से करना है। उसी क्रम में हमारे चैनल पर एक थीम वाइज सीरीज चल रही है, जिसके अंदर जो इम्पोर्टेंट थीम्स हैं, जिन पे एक क्वेश्चन जरूर आने की उम्मीद है, उन थीम को कवर किया जा रहा है और डिटेल में कवर किया जा रहा है। ऑलरेडी चैनल पे कई वीडियो अपलोड हो गए हैं, अगर आपने नहीं देखा है तो जाके जरूर देखिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, जिससे हमारा भी मोरल हाई रहता है और हम ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बना पाएँ। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं ये वाला वीडियो। इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ इम्पोर्टेंट जो चर्चित व्यक्ति रहे। ये आप मत समझना कि ये केवल चर्चित व्यक्ति हैं, उनमें से करंट अफेयर की चीज़ें भी हैं, क्योंकि जो इसका फ्रेम है आप देखेंगे तो उस व्यक्ति के बारे में है, फिर वो चर्चा में क्यों है और किस महीने का है, खासतौर पर ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि लास्ट 6 मंथ का जो करंट अफेयर रहेगा ना, बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा, इसलिए ये भी ज़रूरी है। और उनके बारे में क्या विशेष तथ्य है, वो भी चीज़ें इसमें कवर होंगी। तो सबसे पहले बात करते हैं विनय मोहन क्वात्रा की। ये अमेरिका में भारत के राजदूत बने हैं, कौन से महीने में, जुलाई 2024 में। इन्होंने किसका स्थान लिया है, तरनजीत सिंह संधू का स्थान इन्होंने लिया है। नेक्स्ट है आपका मसूद पेजे सकियान, ये ईरान के नए राष्ट्रपति बने हैं, इन्होंने इब्राहिम रईसी का स्थान लिया है। नेक्स्ट है आपका केपी शर्मा ओली, ये नेपाल के नए प्रधानमंत्री बने हैं, इन्होंने पुष्प कमल दहल प्रचंड का स्थान लिया है। नेक्स्ट है आपका एराबर्ट जे रवि, ये बीएसएनएल के नए अध्यक्ष और सीएमडी नियुक्त किए गए हैं, इन्होंने पीके पुरवार का स्थान लिया है। नेक्स्ट है विक्रम मिस्त्री, भारत के नए विदेश सचिव बने हैं, इन्होंने विनय मोहन क्वात्रा का स्थान लिया है। यानी कि विनय मोहन क्वात्रा पहले भारत के विदेश सचिव थे, अब वो अमेरिका में भारत के राजदूत बन गए और विक्रम मिस्त्री जो है आपका भारत के नए विदेश सचिव बने हैं। तो कन्फ्यूजन हो जाती है ऐसी चीज़ों में, इसलिए इसको स्टार मार्क कर लीजिए और एक ये स्टार मार्क कर लीजिए, जिससे आपको कन्फ्यूजन ना हो। आगे बढ़ते हैं, नीतीश सिंह के बारे में जानते हैं। नीतीश सिंह जो है मलेशिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट किनाबालू को फतह किया है इन्होंने। तो ये कहाँ के हैं, ये उत्तर प्रदेश राज्य के गोरखपुर जिले से हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है स्टार लगाना इसको, क्योंकि ये यूपी का करंट अफेयर है, तो यूपी में तो रहता ही है वेटेज स्पेशली। आगे बढ़ते हैं, क्रिस्टन मिशेल की बात करते हैं। ये इस्टोनिया के नए प्रधानमंत्री बने हैं, इन्होंने काजा क्लास का स्थान लिया है। तो ये पहले ये याद करने की कोशिश करें कि इस्टोनिया के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं, क्रिस्टन मिशेल बने हैं। प्रोफेसर डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन, ये केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय तपेदिक यानी टीबी उन्मूलन कार्यक्रम के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में प्रधान सलाहकार नियुक्त की गई हैं। ये पहले इससे पहले WHO की पूर्व मुख्य वैज्ञानिक भी रह चुकी हैं। कीर स्टार्मर जो हैं लेबर पार्टी के नेता हैं, ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं, इन्होंने ऋषि सुनक का स्थान लिया है। बात करते हैं रोशनी नडार मल्होत्रा की। कीर स्टार्मर भी इम्पोर्टेंट है और रोशनी नडार मल्होत्रा वाला जो करंट अफेयर है ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इन्हें फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार सिविलियर डेला लीजन डी ऑनर से सम्मानित किया गया है। ये SCL टेक्नोलॉजी की अध्यक्ष हैं। बात करते हैं एनके सिंह की। एनके सिंह लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस में प्रतिष्ठित मानद फेलोशिप से इन्हें सम्मानित किया गया है। ये प्रसिद्ध भारतीय अर्थशास्त्री हैं और 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष भी हैं। राजेंद्र खन्ना की बात करते हैं। केंद्र सरकार द्वारा देश के अतिरिक्त राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है। इसको चाहे तो आप लीव भी कर सकते हैं, इतना कुछ खास इम्पोर्टेंट नहीं है। बात करते हैं डॉक्टर BN गंगाधर की। केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। इनका कार्यकाल जो है 4 वर्ष का होगा या 70 वर्ष तक की आयु का, जो भी इनमें से पहले हो, या तो 4 वर्ष या 70 वर्ष। डिक स्कूफ कौन है, ये नीदरलैंड के नए प्रधानमंत्री बने हैं, इन्होंने मार्क रट का स्थान लिया है, डिक स्क्रूफ। ठीक है, ये भी स्टार मार्क करना है इस पे। एंटोनिया कोस्टा यूरोपीय परिषद के नए अध्यक्ष चुने गए हैं, वे पुर्तगाल के पूर्व प्रधानमंत्री हैं। सुजाता सोनिक महाराष्ट्र की
पहली महिला मुख्य सचिव नियुक्त हुए। अब ये महाराष्ट्र की हैं और पहली महिला हैं, इसीलिए इसको थोड़ा दिया गया स्थान, अदरवाइज इसको लीव भी कर सकते हैं। मनोज कुमार सिंह उत्तर प्रदेश के नए मुख्य सचिव बने हैं, इन्होंने दुर्गा शंकर मिश्रा का स्थान लिया है। रवि अग्रवाल केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT के नए अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं, इन्होंने नितिन गुप्ता का स्थान लिया है। ओम बिरला लगातार दूसरी बार 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष बने हैं, कोटा राजस्थान से भाजपा सांसद हैं ये। राहुल गांधी की बात करें, लोकसभा में विपक्ष के नेता बने, वे रायबरेली उत्तर प्रदेश से लोकसभा सदस्य हैं। भर्तृहरि महताब क्या हैं, 18वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर इन्हें चुना गया था, ये कटक उड़ीसा से लोकसभा सदस्य हैं। CV चंद्रशेखर प्रसिद्ध भरतनाट्यम नर्तक शिक्षाविद का निधन हो गया है, तो निधन से भी क्वेश्चन बन जाता है। 2011 में केंद्र सरकार द्वारा इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। थियो जेम्स की बात करें, संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी UNHCR के नए वैश्विक सद्भावना राजदूत बने हैं, प्रसिद्ध ब्रिटिश अभिनेता हैं ये। पंडित राजीव तारानाथ प्रसिद्ध सरोद वादक हैं, इनका निधन हो गया है, तो ये पूछा जा सकता है इनके बारे में कि किस चीज़ से ये संबंधित थे, तो सरोद वादक थे ये। वह सेनिया मैहर घराने के प्रतिष्ठित कलाकार थे। सुनीता विलियम्स की बात करें, बोइंग स्टार लाइनर स्पेस क्राफ्ट के चालक दल का हिस्सा बनने वाली पहली महिला बनी, वे भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री हैं। क्लाउडिया सिनबाम मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति निर्वाचित की गई हैं, ये तो 5 स्टार लगा लीजिए इस पे, क्लाउडिया सिनबाम बहुत इंपॉर्टेंट है, मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति निर्वाचित की गई हैं। PV सिंधु के बारे में देखते हैं, केंद्र सरकार द्वारा देश में तंबाकू नियंत्रण के लिए इन्हें ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। वे प्रसिद्ध भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। ज्योति रात्रे मध्य प्रदेश की उद्यमी हैं, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की सबसे उम्रदराज महिला बनी है, सबसे उम्रदराज महिला है भारत की माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली। एलिस मुन्नो के बारे में जानते हैं, प्रसिद्ध कन्या डाई लेखिका का इनका निधन हो गया है। इन्हें 2013 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार, 2009 में मान बुकर इंटरनेशनल प्राइज प्रदान किया गया था। राकेश रंजन केंद्र सरकार द्वारा कर्मचारी चयन आयोग SST के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं, राकेश रंजन जी। सुरजीत पात्र की बात करें, प्रसिद्ध पंजाबी कवि एवं लेखक थे ये, इनका निधन हो गया है, 2012 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट है जुडिस सुमिनवा तुलका डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है, इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लीजिए इस पे, ठीक है। जुडिस सुमिनवा तुलका डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। संजीव पुरी 2024-25 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं, CII के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं संजीव पुरी जी। वे ITC लिमिटेड के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक हैं। पायल कपाड़िया, इनकी फिल्म ऑल वी इमेजिन एज लाइट को 77वें कांस फिल्म फेस्टिवल 2024 का ग्रैंड पिक्स अवार्ड प्राप्त हुआ है। वह यह पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय हैं। गोपी ठोता कूरा अंतरिक्ष में सैर करने वाली पहले भारतवंशी पर्यटक बनेंगे। वह जे बोजोस की अंतरिक्ष उद्यम ब्लू ऑरिजिन के पायलट हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, यह भी स्टार मार्कर है। एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी भारतीय नौसेना के 26वें अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया है इन्होंने, इन्होंने एडमिरल RR Kumar का स्थान लिया है। दिनेश कुमार त्रिपाठी जो है 26वें भारतीय नौसेना के अध्यक्ष के पद पर ग्रहण किया है। आगे बात करते हैं जगजीत पवाड़िया की, तीसरे कार्यकाल हेतु अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स नियंत्रण बोर्ड INCB का अध्यक्ष चुनी गई है ये। वह पहली बार इस पद पर अप्रैल 2014 में चुनी गई थी, इस पद पर पहुंचने वाली वह पहली भारतीय महिला हैं, तो जगजीत पवाड़िया इंपॉर्टेंट है। क्रिस्टीना जॉर्जिया दूसरी बार अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF की प्रबंध निदेशक MD नियुक्त की गई है। 5 वर्षों के लिए उनका दूसरा कार्यकाल जो है अक्टूबर 2024 में शुरू होगा। पीटर हिस की बात करें, प्रसिद्ध ब्रिटिश भौतिकविद थे, इनका निधन हो गया है। उन्हें बेल्जियम के फ्रेंकोइस एंग्लर्ड के साथ वर्ष 2013 में भौतिकी के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। साइमन हैरिस
आयरलैंड के प्रधानमंत्री बने हैं। वे इस देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं, साइमन हैरिस आयरलैंड के प्रधानमंत्री। श्रीनिवास पल्लिया विप्रो लिमिटेड के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ नियुक्त किया गया है। संजय नायर प्रमुख वाणिज्य एवं उद्योग संगठन एसोचैम के नए अध्यक्ष बने हैं। लुइस मोंटेनेग्रो पुर्तगाल के नए प्रधानमंत्री बने हैं, इन्होंने एंटोनिया कोस्टा का स्थान लिया है। राकेश मोहन विश्व बैंक समूह के आर्थिक सलाहकार पैनल के सदस्य नियुक्त किए गए हैं, वे आरबीआई के पूर्व डिप्टी गवर्नर हैं। एमवी राव इंडियन वैक्स एसोसिएशन आईबीए के अध्यक्ष बने हैं। नवनीत सहगल प्रसार भारती बोर्ड के अध्यक्ष बने हैं। किशोर मकवाना राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग एनसीएससी के नए अध्यक्ष बने हैं, कार्यकाल इनका 3 वर्ष का। इन्होंने स्थान लिया है विजय सांपला का। न्यायमूर्ति अजय मणिक राव खानविलकर भारत के दूसरे लोकपाल बने हैं, इन्होंने न्यायमूर्ति पिनाकी चंद्र घोष का स्थान लिया है। आसिफ अली जरदारी पाकिस्तान के 14वें राष्ट्रपति बने हैं, आसिफ अली जरदारी, इन्होंने आरिफ अलवी का स्थान लिया है। शहबाज शरीफ पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री बने हैं, तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री दोनों नए बने हैं, दोनों इंपॉर्टेंट हैं। आसिफ अली जरदारी जो है राष्ट्रपति बने हैं और शहबाज शरीफ बने हैं प्रधानमंत्री। सुनील भारती मित्तल के बारे में देखें, ब्रिटेन की राजशाही की ओर से मानद नाइटहुड सम्मान नाइट कमांडर ऑफ द मोस्ट एक्सीलेंस अवार्ड ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर KBE से सम्मानित किया गया। वो भारतीय एंटरप्राइजेस के संस्थापक और अध्यक्ष हैं। शशि थरूर फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया इन्हें। नवाज सलाम लेबनान के जज हैं, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ICJ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अध्यक्ष बने हैं। इनका कार्यकाल जो है 3 वर्ष का होगा। इन्होंने अमेरिकी जज जोवान डोनोग्यू का स्थान लिया है, नवाज सलाम। अलेक्जेंडर स्टब फिनलैंड के राष्ट्रपति बने हैं, इन्होंने साउली निनिस्टो का स्थान लिया है। न्यायमूर्ति ऋतु बहारी उत्तराखंड उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में इन्होंने शपथ ग्रहण किया है। पंकज उदास प्रसिद्ध भारतीय गजल एवं पार्श्व गायक थे, ये इनका निधन हो गया है। 2006 में इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। डॉक्टर साइमा वाजिद डब्ल्यू एच ओ के दक्षिण पूर्वी एशिया क्षेत्र के लिए क्षेत्रीय निदेशक बनी हैं ये। इन्होंने डॉक्टर पूनम खेतवाल सिंह का स्थान लिया है। डॉक्टर साइमा वाजिद जो है बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना की बेटी हैं। डॉक्टर प्रभा अत्रे प्रसिद्ध शास्त्रीय गायिका का निधन हो गया है। वह शास्त्रीय संगीत के किराना घराने से इनका संबंध था। उन्हें 2022 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। इंदमणि पांडे की बात करें, बिम्सटेक के 4थे महासचिव हैं, इनका कार्यकाल 3 वर्ष का। नाडिया कैलविनो यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक EIB की पहली महिला अध्यक्ष बनी। स्पेन की पूर्व प्रथम उप प्रधानमंत्री हैं। गुस्तावो एडियान जेस पेरू के प्रधानमंत्री बने हैं। टॉमस सुलवेओक हंगरी के राष्ट्रपति बने हैं। उषा किरण खान हिंदी और मैथिली की प्रसिद्ध साहित्यकार का निधन हो गया। 2015 में इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। प्रीति रजक भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार बनी। सेंथिल पांडियन WTO में भारत के नए राजदूत नियुक्त। फ्रेडरिक 10वें जो हैं डेनमार्क के नए सम्राट बने हैं। उस्ताद राशिद खान प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक का निधन हो गया है। रामपुर सहसवान घराने से इनका संबंध था। जेवियर मिलेई अर्जेंटीना के राष्ट्रपति बने हैं। डॉक्टर अमृतपाल सिंह हंगिन ब्रिटेन के महाराजा चार्ल्स द्वितीय द्वारा नाइट वैचलर से सम्मानित किया गया है। वे भारतीय मूल के ब्रिटिश चिकित्सक हैं। मीरा चंद सिंगापुर के प्रतिष्ठित कला पुरस्कार कल्चरल मेडेलियन से सम्मानित किया गया है। वे भारतीय मूल की उपन्यासकार हैं। शेख हसन खान अंटार्कटिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट विंसन को फतह किया है। ये इन सब में अभी देखा जाए तो ये इम्पोर्टेंट है। शेख हसन खान अंटार्कटिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट विंसन को फतह किया। कहाँ से हैं ये? केरल के पर्वतारोही हैं। रायमती घुरिया बाजरा की 30 किस्मों को संरक्षित करने वाली महिला हैं ये। ओडिशा के कोरापुट जिले की आदिवासी किसान महिला हैं।
उन्हें क्वीन ऑफ मिलेट्स के नाम से भी जाना जाता है, रायमती घुरिया। नीना सिंह केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF की पहली महिला निदेशक बनी है। उमा शेखर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ प्राइवेट लॉ UNIDROIT की गवर्निंग काउंसिल के लिए चुनी गई व इस पद पर चयनित होने वाली भारत की पहली महिला अधिकारी हैं। दीपिका पादुकोण मिनरल वाटर ब्रांड बिस्लेरी की पहली ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनी। डॉक्टर पूनम खेतपाल सिंह भूटान के प्रतिष्ठित नेशनल ऑर्डर ऑफ द मेरिट गोल्ड मेडल से सम्मानित। अनिस्ता 2023-24 के लिए फिक्की फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अध्यक्ष बने हैं। कंचन देवी भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद ICFRE की पहली महिला महानिदेशक बनी। अक्षता कृष्णमूर्ति मंगल ग्रह पर नासा के रोवर का संचालन करने वाली पहली भारतीय महिला बनी। गिरीश चंद्र मुर्मू 2024 के लिए संयुक्त राष्ट्र लेखा परीक्षक पैनल के उपाध्यक्ष चुने गए, वे भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हैं। शीतल महाजन माउंट एवरेस्ट के सामने 21,500 फीट की ऊंचाई से हेलीकॉप्टर से छलांग लगाने वाली विश्व की पहली महिला बनी है। महाराष्ट्र की प्रसिद्ध स्काई ड्राइवर है। पंकज त्रिपाठी भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम NPCI द्वारा UPI सेफ्टी एम्बेसडर बने हैं, वे प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता हैं। न्यायमूर्ति फातिमा बीबी उच्चतम न्यायालय की पहली महिला प्रधानमंत्री हैं, सॉरी उच्चतम न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश और तमिलनाडु की पूर्व राज्यपाल का निधन हो गया है। वह वर्ष 1989 से 1992 तक उच्चतम न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश थी। हीरालाल समारिया केंद्रीय सूचना आयोग के नए मुख्य सूचना आयुक्त बने हैं, ये वह इस पद पर पहुंचने वाले अनुसूचित जनजाति के पहले व्यक्ति हैं। राजकुमार राव भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा राष्ट्रीय आयकन घोषित किया गया, इनको प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता हैं। डॉक्टर MS स्वामीनाथन प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक एवं भारत में हरित क्रांति के जनक का निधन हो गया है। 2024 में उन्हें मरणोपरांत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न से सम्मानित किया गया। जय वर्मा सिन्हा रेलवे बोर्ड की अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनी है, वह इस पद पर पहुंचने वाली पहली महिला है। जय वर्मा सिन्हा इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। आर माधवन भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान FTII सोसाइटी के अध्यक्ष बने हैं, प्रसिद्ध अभिनेता और निदेशक हैं। माता अमृता नंदमयी वर्ल्ड लीडर फॉर पीस एंड सिक्योरिटी अवार्ड से सम्मानित किया गया, प्रसिद्ध आध्यात्मिक वक्ता हैं। शक्तिकांत दास अमेरिकी पत्रिका ग्लोबल फाइनेंस द्वारा वैश्विक स्तर की शीर्ष केंद्रीय बैंकर का सम्मान दिया गया है, वे भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर हैं। शक्तिकांत दास लक्ष्मी झा तुर्की की सबसे ऊंची चोटी माउंट अरारात को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला हैं, बिहार की पर्वतारोही हैं। अमित कुमार नेगी ईरान के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर दामावंद की चढ़ाई करने वाले पहले भारतीय बने हैं, हिमाचल प्रदेश के पर्वतारोही हैं। सचिन तेंदुलकर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता जागरूकता और शिक्षा कार्यक्रम के लिए नेशनल आइकन इन्हें बनाया गया था। ठीक है, तो ये उतना कुछ खास इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये दोनों इम्पोर्टेंट थे। इसी के साथ ही पिछले एक साल में लगभग अगस्त 2023 से लेकर के अभी तक जितना भी इम्पोर्टेंट व्यक्ति जो चर्चा में रहे उनके बारे में डिस्कस कर लिया गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट थीम के साथ आपसे मिलेंगे। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।